हेलो एम वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन उसके हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पे पहुंचे हैं तो आज हमने क्या बात करनी है आज हमने एफओ डायग्राम्स बनाने हैं एफ ओ डायग्राम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी

रिविजन लेते हुए चलते तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे क्या बताया था होप आपने वो लेक्चर देखा हो तो हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस है बट आप किन रिएक्शन को पर्टिकुलरली बोलेंगे की हाँ ये रिएक्शन पैरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो वहां हमने कुछ कंडीशन देखी थी कंडीशन पहली क्या थी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका स्टार्ट तो वो ऑलिफिन से होती बट अगर आप ऑलिफिन में रिएक्शंस कराएंगे तो आपको पता है ऑलिफिन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट देता है बी वो आयंस दे दे आयंस मतलब कैटाइन और एनाइन इंटरमीडिएट दे दे, वो फ्री दे दे बट ऐसे इंटरमीडिएट वाली रिएक्शन को कभी भी हम पैरिसक्लिक रिएक्शन नहीं कहते हम किनको बोलते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है यानी कि ट्रांजिशन स्टेट हो तो होगी बट वो साइक्लिक होगी तो ऐसी रिएक्शंस को आप साइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। और आपको यह भी बोला था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है यानी कि जो रिएक्टेंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिजर्व होके आपका प्रोडक्ट शो करेगा ओके और एक और चीज मैंने बोली थी कि कभी भी आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कराते हैं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक टाइप की कंसर्ट्रेड रिएक्शन है यानी कि इन रिएक्शन में आपकी बॉन्ड मेकिंग का स्टेप और बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप साइमल्टेनियसली अगर करता है ओके तो इन रिएक्शंस को ही हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहेंगे उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे एक और चीज बताई थी कि हमको मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्री का क्या यूज करना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर तो हमने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं वहां आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमिट्री प्रिजर्व रहती है तो वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी अलाउड होगी अदरवाइज वो फॉरबिटेड होगी ओके तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस की थी आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर सेकंड तो आज हमने क्या बात करना है हमने एफओ डायग्राम बनाना है जैसे मैंने आपको बोला आपको कंपाउंड दिया होगा कि बनाइए आप इथैलिन का एफओ डायग्राम बनाइए तो कैसे बनाएंगे बहुत ज्यादा सिंपल है आपको मैं बहुत सिंपली वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी आपने बस चीजों को ध्यान से सुनना है ओके तो सबसे पहले देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एफओ डायग्राम बनाओ तो आप डायग्राम बनाने से पहले बता दीजिएगा कि एफओ होता क्या है ठीक है तो एफओ का फुल फॉर्म होता है फ्रॉन्टियर ऑर्बिटल्स आपने क्या कराना है फ्रॉन्टियर ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाना है तो तो आपको क्या बताता है तो देखो और एक और चीज यहाँ पे देख लीजिएगा हाँ यहाँ पे मैंने आपको एफ डायग्राम बोला ना कि एफ डायग्राम ऑफ दिस यहाँ पे मैंने एफ लिखा है तो आपसे क्वेश्चन में एफ डायग्राम भी पूछ लिया जाता है एफ भी पूछ लिया जाता है तो एफओ तो आपका फ्रंटियर ऑर्बिट हो गया

एक एनर्जी लेवल होता है होमो एक होता है आपका ल्यूमो तो होमो ल्यूमो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है होमो आप उन एनर्जी लेवल को आप होमो बोलते हैं जो क्या है एनर्जी के बेसिस पे तो हाईएस्ट है होमो मतलब क्या है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिट यानी कि ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिट जो एनर्जी के बेसिस पे तो हाईएस्ट है और वो एनर्जी लेवल्स क्या होगा ऑक्यूपाइड भी होगा यानी कि वो एनर्जी लेवल हाइएस्ट तो है साथ ही साथ वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्यूपाइड है तो उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं होमो और ल्यूमो क्या होता है ल्यूमो होता है आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिट यानी कि ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिट जो एनर्जी के बेसिस पे लोवेस्ट है साथ ही साथ क्या है वो अनऑक्यूपाइड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूमो ओके अभी आपको का माइंड में नहीं आ रहा होगा तो चिंता मत करो डोंट वरी हम क्या आगे जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी वहां मैं आपको एक एक चीज बताने वाली ओके तो अभी जैसे सुन लीजिए हम एफ का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं तो एफ आपको यही बताता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड के लिए एफ डायग्राम बनाने हैं तो एफ डायग्राम आपको ये बताएगा कि आपके जो ये दो एनर्जी लेवल्स है इस इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है या फिर आप बोल सकते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे ऑक्यूपाइड है इन दोनों एनर्जी लेवल्स पे ओके और साथ ही साथ आप ऐसा भी बोल सकते हैं एफ एम डायग्राम आपको क्या बताता है इंटरेक्शन ऑफ होमो और ल्यूमो का इंटरेक्शन भी बताता है ठीक है और एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है एक और पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है ये आप आगे जाके समझेंगे अगर आपको होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट अभी माइंड में नहीं है देन आपको समझ में आ भी सकता है नहीं भी तुम जस्ट मैं आपको बता देती हूँ होमो के केस में आपको क्या बोल रहा है देखो होमो ऑर्बिट आपका ये होता है ये आपका ऑक्यूपाइड है इससे मैं बोल रही हूँ होमो ओके और ल्यूमो आपका ये है ये आपका क्या है लोवेस्ट एनर्जी का होगा जब आप इसे एंटी बॉन्डिंग के केस में देखेंगे ये लोवेस्ट एनर्जी का होगा और साथ ही साथ ये अनऑक्युपाइड है कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं ओके okay? लेकिन जैसे आपने के क्या किया बाहर से एक्साइटेशन कराया तो क्या होगा ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा दूसरे एनर्जी लेवल पे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठीक है स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी अब आप देखिए यहां पर को हुआ क्या ये बोल रहा है कि होमो को हम क्या है जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि होमो एक टाइप का न्यूक्लोफाइल है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्यों क्योंकि आप देख सकते हैं होमो ने क्या किया जैसे एक्साइटेशन हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन इस से मतलब इस लेवल से कहा शिफ्ट हो गया यहाँ यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया तो आप होमो को क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोल सकते हैं और ल्यूमो को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी क्योंकि जैसे एक्साइटेशन हुआ ल्यूमो ने आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर का होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर का होता है ये जस्ट यहाँ पर को थोड़ा सा दो तीन पॉइंट आप यहाँ पर को एड कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ओके तो क्वेश्चन

आप बताएंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने फिर आप बताएंगे नंबर ऑफ नोट कितने अब दर्ज राम की वेब फंक्शन कैसे नोट कैसे निकालेंगे बहुत ईजी है आप जिस इतना काम कीजिएगा कि आप बताइएगा कि आपके सिस्टम में जो आपका कंपाउंड आप है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने तो आप बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ कितने कार्बन है दो कार्बन है तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन इज टू ओके तो नंबर ऑफ वेब फंक्शन क्या होता है नंबर ऑफ वेब फंक्शन को आप साइज से रिप्रेजेंट करता है तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ वेब फंक्शन कितने हैं तो नंबर ऑफ वेब फंक्शन हमेशा आपके नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल होते हैं तो आप बता दीजिए कि थाईलैंड में कितने वेब फंक्शन है तो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन दो है तो वेब फंक्शन भी कितने होंगे टू होंगे तो आपको पता चल गया यहाँ पर को आपके इस सिस्टम में वेब फंक्शन कितने हैं टू है ओके अब इस वेब फंक्शन का करना क्या है ये भी आप सुन लीजिए तो देखिए मैंने यहाँ पर को बिल्कुल स्ट्रक्चर पहले से नहीं बनाया मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आपने क्या करना होता है सबसे पहले जब आप एफएमओ डायग्राम बनाते हैं आपने ये वेव निकाला ना इन वेव को आप यहां पे लिखेंगे। देखो, आपको वेव टू निकले, तो आपके पास दो वेव हैं। और अगर तीसरा भी होता तो आप उसे बोलते वेव फंक्शन थर्ड ओके तो आपको क्या करना दोनों वेव फंक्शन को आप लिखना है कैसे लिखेंगे तो देखो सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करेंगे इसे आप बोलेंगे वेव फंक्शन फर्स्ट इसके बाद यहां पर जाएंगे और इसे बोलेंगे वेव फंक्शन सेकंड अगर थर्ड होता तो उसके ऊपर फोर्थ होता तो उसके ऊपर इतनी चीज क्लियर है तो नीचे से ऊपर को आपने यहाँ पर को लिखना है आपने दोनों वेव फंक्शन को लिख दिया ओके okay. अब ये वेव फंक्शन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिट ओके अब मोलिकुलर ऑर्बिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ तो देखो ना आपको मोलिकुलर ऑर्बिट ऐसे मिलते हैं ऐसे ठीक है ये आपके मॉलिकुलर ऑर्बिट होता है तो आपने क्या करना है ना कैसे आप मोलिकुलर ऑर्बिट बनाएंगे तो आपने अपना स्ट्रक्चर देखना आपका कंपाउंड तो आप देखो आपके पास कंपाउंड में दो कार्बन आइटम है दोनों कार्बन आइटम के बेसिस पे हमने दो वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली तो मोलिकुलर ऑर्बिट भी क्या है इन्हीं कार्बन की वजह से बनेगा आपका कार्बन का जो पी ऑर्बिट है उसका लोग आप ऐसे दिखाएंगे इस कार्बन एटम का पी लोग वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि इथाइलिन के लिए जो मोलिकुलर ऑर्बिट का डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ इस टाइप का इतनी चीज क्लियर है तो ये बन गया आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इथाइलिन के लिए मतलब जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे आपके ऑर्बिट रिप्रेजेंट होंगे ओके अगर इथाइलिन के बदले अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए ये है एक होगा साई वन एक होगा साई टू एक होगा आपका साई थ्री एंड लास्ट होगा आपका साई फोर ओके okay. और अगर आपको मॉलिकुलर डायग्राम बनाना है तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे आपने बस ये चारों कार्बन के लिए वन टू थ्री फोर ये चार कार्बन होंगे ब्यूटाडाइन में इन चारों कार्बन के पी ऑर्बिट का यहाँ पर लोभ रिप्रेजेंट करने तो आपको लोभ कुछ ऐसे मिलेंगे एक कार्बन दूसरा कार्बन का लोभ तीसरा कार्बन का लोभ चौथा कार्बन का लोभ कुछ इस टाइप का यानी कि आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा मॉलिकुलर ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का तो देखो हमने इस टाइप का तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाए तो ये चार सामने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किए तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ तो आपको ये चार लोब कहाँ से मिले ये कार्बन आइटम है इनके जो पी और बिट है उनके ये हो गए ऐसे करके ठीक है तो अब ये लोब्स क्या है आपने दोनों के आगे दिखा रहा है साइवन साइट यानी कि साइवन के लिए आपके लोब कुछ ऐसे हो गए वन टू ओके साइटू के लिए भी हो गए वन टू चीज क्लियर है इतना आपने कर लिया यहाँ पर खत्म ओके अब इसके बाद आपको एक और चीज देखनी है वो है आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाईन सिस्टम तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है तो आपको पता है आप देखो यहां पर पास एक पाई बॉन्ड है ओके तो एक पाई बॉन्ड है तो आपको पता है एक पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने है? टू पाई इलेक्ट्रॉन तो देखो आपसे यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं पूछा है ठीक है अगर आपसे पाई बॉन्ड बोला होता तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है एक लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो ध्यान में रखिएगा आपने पाई इलेक्ट्रॉन देखना है तो आपको बताया एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ पर को क्या किया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी आपने यहाँ पर टू पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया इतना काम खत्म ओके अब लास्ट चीज वो है आपका नंबर ऑफ नोड अब आपका नोड क्या होता है नोड मैं आपको सिंपली ऐसा बता देती हूँ नोड ना आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो के होती है, ना होती है मतलब नहीं होती इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंसेंट्रेशन वहां पर नहीं होता ओके तो वो पॉइंट होता है आपका नोड जिसे आप सेंटर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इस मोलिकुलर ऑर्बिट में ये मेरा नोड है तो नोड को मैं ऐसे सेंटर पे डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ ओके तो ये होता है आपका नोड अब जरूरी नहीं है कि सारे मोलिकुलर ऑर्बिट में आपका नोड हो ओके okay, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मोलिपुलर ऑर्बिट पे कितना नोड है तो आपने हमेशा एक यूज करना अगर मैं पूछूं कि इस ऑर्बिट के लिए आप नोड बताओ जैसे मैंने बोला कि इस ऑर्बिट के लिए नोड बताओ इस ऑर्बिट के लिए नोड बताओ तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एन माइनस वन का फॉर्मूला तो एन क्या होगा यहाँ पर को एन होगा आपका नंबर ऑफ एटम देखो जनरली साई वन साई टू जिसे हम कह रहे हैं वो जनरली होता है साई एन ओके और ये ही एन है आपका ये तो यहाँ पर साई की वैल्यू कितनी है वन है टू है थ्री है उसी के बेसिस पर आपको नंबर ऑफ नोट का पता चलता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे लेके चलो आप यहाँ पर देखिए ठीक है तो साई वन के केस में देखो साई वन के केस में अगर मैं आपसे नोड निकालना पूछूंगी कि कितने नोड है तो आप क्या बोलेंगे नंबर ऑफ नोट ये इसके दिख नहीं रही है तो नंबर ऑफ नोड क्या बोलेंगे तो आपको पता है यहाँ पर है साई वन तो आपका n माइनस वन होता है फॉर्मूला और n की वैल्यू कितनी है वन तो वन माइनस वन इज इकल टू जीरो तो नोट भी आपके कितने होंगे जीरो होंगे ओके और अगर दूसरे केस में हम लोग देखें तो दूसरे में क्या होगा साइड टू साइड टू में आपका एन इज इक्वल टू कितना है टू और फॉर्मूला होता है आपका एन माइनस वन तो यहाँ पर कोई नोट कितने हो जाएंगे आपके नोड होगा आपका वन तो आप देखो पहले केस में आपको नोट कितने मिले एक मिला दूसरा केस में आपको जो नोट मिला वो कितने मिला जीरो मिला तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रॉपरली आप कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे नोड इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर नोड है आपका जीरो और अगर यहाँ पर कोई नोड क्या है यहाँ पर नोड है आपका वन ओके okay? अब देखो आप नोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो अगर मैंने आपको बोला कि आपके सिस्टम में कोई नोड नहीं है तो यहाँ पर को कोई भी डॉट सेंटर पे नहीं आएगा ओके okay? अगर मैंने बोला यहाँ पर कोई एक नोड है तो आप इनके सेंटर पे एक डॉट रिप्रेजेंट कर दीजिएगा यहाँ पर नोड है ओके okay? तो अगर यहाँ कहीं पर कोई भी नोट होता है किसी भी ऑर्बिट में अगर नोड होता है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो अगर यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है देन यहां पर को अगर आपका प्लस साइन है तो यहाँ पे भी आपका प्लस होना चाहिए अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए इट मीन्स यहाँ पर को क्या है बॉन्ड फॉर्म हो सकता है यहाँ पर को कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जीरो मतलब कहीं भी पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई नोट नहीं है इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव साथ साथ नेगेटिव नेगेटिव साथ साथ ये बनेगा हमारा स्ट्रक्चर इतनी चीज क्लियर आई यहां पर को मैंने बोला एक नोड है क्योंकि आपने यहाँ पर एन की वैल्यू नोड की वैल्यू निकाली नोड आपको एक मिला तो अगर यहाँ पर नोड है तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव, आना और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव ही आएगा तो आपका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा तो देखो दोनों ऑर्बिट आपके अलग अलग बन गए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बट ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव बस इतना आपने काम करना है इतना कर दिया तो अब आपको आगे को बहुत सिंपल है अब आप क्या करेंगे बस देखो एफएमओ डायग्राम आपने ये स्टेप फॉलो करते हुए बनाने मतलब, तो ये स्टेप फॉलो करके बस ऑर्बिट बनाना ये स्टेप आपने फॉलो किया तो ये आपने मोलिकुलर ऑर्बिट शो कराए अब क्या करेंगे अब जैसे आप यहाँ पर को क्या है इनके लिए एनर्जी लेवल शो कीजिए तो देखिए मैंने यहाँ पर को ये एनर्जी लेवल शो कर दिया एक मिनट ये मैंने यहां पर को एनर्जी लेवल शो कर दिया ओके अब क्या है देखो एनर्जी लेवल्स पर आप क्या रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ही तो रखेंगे इन ऑर्बिटल्स में यानी कि ये किसके ऑर्बिटल बने इथाइलिन के लिए इथाइलिन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमने निकाले पाई इलेक्ट्रॉन निकाले हमने टू पाई इलेक्ट्रॉन तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ सिस्टम में एड करना है तो इनिशियली क्या है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे साई साईवन में उसके बाद साई टू में तो आपने क्या है दो इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो देखो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे पहला इलेक्ट्रॉन भी यही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करा दी अब इलेक्ट्रॉन के फिल होने की वजह आपने क्या देखना है होमोल्यूमो देखना है वही तो हमने एफ में देखना होता है तो आपने बताना है होमोकॉन है ल्यूमोकॉन है तो ऑब्वियसली बात है होमो क्या होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट तो ये ऑक्यूपाइड है तो ये बन गया आपका होमो और ल्यूमो क्या होता है ल्यूमो होता है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिट तो ये आपका अनऑक्यूपाइड है तो आपने इसे क्या बोल दिया ल्यूमो बोल दिया तो ये बन गया होमो ये बन गया ल्यूमो ओके okay, अब बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है अब आपने क्या कराना होता है यहाँ आप एक्साइटेशन भी तो करा सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लेवल पे प्रेजेंट है आप इसे एक्साइट कर सकते हैं इस लेवल पे ओके तो यहां तो तो अगर पर एक्साइटेशन हुआ क्या होगा तो पहले एक और चीज देख लीजिए एक्साइटेशन किसकी वजह से होता है जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर पर बताया था जब भी आप फोटोकेमिकल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कराते हैं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आप कोई भी सोलवेंट डालो चाहे आप कोई कैटलिस्ट डालो इस सारी चीजों से आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता फर्क किससे पड़ता है अगर आप कोई फोटोन्स या फिर कोई भी हीट प्रोवाइड कराते हैं यानी कि आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन इन दोनों के थ्रू ही प्रोसीड होती है ओके तो लेकिन अगर आपने कोई रिएक्शन कराई है वहां आपने क्या डाली हीट डाली तो हीट की वजह से यहाँ पे कोई भी एक्साइटेशन नहीं होता तो हीट जब होता है तो जब आपके सिस्टम में आपकी कोई रिएक्शन है वहां पर आपने हीट प्रोवाइड किया रिएक्शन कंडीशन में तो हीट प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन में कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा लेकिन जैसे आप क्या कराएंगे थर्मल कंडीशन यानी कि एचन यू सॉरी जैसे आप क्या है फोटोन वाली कंडीशन यानी कि एचन न्यू की, की कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे तो न्यू की कंडीशन जैसे ही आएगा यहाँ पर को आपका एक्साइटेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का तो आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो एक्साइट होके ऊपर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा तो क्या होगा आपका देखो और स्पिन चेंज नहीं होता ठीक है आपने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला दूसरा यही था लेकिन एक्साइटेशन हो यहाँ चले गया तो अब आपने होमोल्यूमो चूज करना है तो कैसे करेंगे तो होमो क्या हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट तो ये ऑक्यूपाइड है तो ये होमो तो बन गया बट साथ ही साथ ये ल्यूमो भी होगा क्यों क्योंकि ये अनऑक्युपाइड भी है यहाँ दो इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते थे बट आपने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो ये होमो भी हो गया और ये ल्यूमो भी हो गया तो इतना सही आपने काम कराना है किसके लिए एफएमओ डायग्राम के लिए इतनी चीज क्लियर आई बस इतने ही स्टेप्स को आपने माइंड में रखना अभी ये फर्स्ट वाला था तो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मैं कितनी चीज आपको बताऊं कितना चीज आपको मालूम होगा नहीं मालूम होगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे बट मैंने अभी आपको पहला वाला बता दिया ये था आपका इथाइलिन का

C2 होता है आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री यानी कि आपने देखना है कि आपके इन एनर्जी लेवल्स पे जो आप सॉरी आपके जो ये मोलिकुलर ऑर्बिट है ये आपके क्या है सिमेट्रिकली अलाउड है या फिर फॉरबिनन है तो देखो ये क्या बोल रहा है साइवन के लिए केस में नंबर ऑफ नोड मैंने टेबल में लिखा है नंबर ऑफ नोड जीरो है और अगर आप साइवन के केस में देखेंगे तो मिरर प्लेन सिमिट्री इसमें प्रेजेंट है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमिट्री यानी कि सी टू ऑफ सिमिट्री एबसेंट है कैसे आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ देखिए अगर आप इसके बीच में एक प्लेन डालेंगे तो आप देखिए यहाँ अगर मैं सेंटर में एक मिरर रख दू तो आप देखो आपको इमेज बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही है ये इसके इक्वल है क्योंकि मिरर रखूंगी तो यही चीज तो यहाँ दिखेगी तो देखो बिल्कुल आइडेंटिकल है तो यहां पर को तो एम तो मैंने आपको क्या बोला था कैसे रिप्रेजेंट करना आप मिरर प्लेन सिमेट्री को एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिखेंगे यानी कि मिरर ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है, लिखते है, हाँ, लिखते हैं हैं ना तो एस लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर को सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप लिखेंगे एम इज इकट टू एस ओके और यहाँ पर अगर आप सीट अब पहले ऊपर वाले में भी हम मिरर प्लेन सिमेट्री देख लेते हैं तो देखो ऊपर वाले में अगर आपने यहाँ पर मिरर रखा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर तो आपको पॉजिटिव है मिरर के आगे आपको नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पर आपको पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है तो मिरर के आगे क्या मिल रहा है पॉजिटिव यानी कि यहाँ तो मिरर इमेज बन नहीं रही है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर को मिरर प्लेन सिमेट्री क्या है Absent है तो आपने लिख दिया एम इजिकल टू ए इतनी चीज क्लियर है अब सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या है आप यहाँ से एक एक्सिस पास कराते हैं और इसे रोटेट कराते हैं 180 डिग्री के एंगल पे, ओके? तो आपने जैसे ही डिग्री में रोटेट कराएंगे तो आपको आइडेंटिकल इमेज नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि आपको रोटेशन के बाद क्या मिलेगा रोटेशन के बाद आपको क्या मिलेगा देखिए, ये जो आपके पॉजिटिव है ये नीचे चले जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे

Osionfish. तो देखो अगर आपने इसे रोटेट कराया तो क्या होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस वाला तो नीचे चला गया ठीक है ये वाला माइनस यहाँ चला गया इसका माइनस ऊपर आ गया और इसका प्लस यहाँ आ गया अब आप देखो ना ये दोनों भी तो बिल्कुल आइडेंटिकल है आपको ऊपर क्या मिला प्लस माइनस अभी भी मिल रहा है प्लस माइनस नीचे क्या मिल रहा है माइनस प्लस यहाँ भी मिल रहा है आपको तो तो माइनस प्लस यानी कि ये दोनों तो आइडेंटिकल है तो यहाँ पर को सी क्या होता है प्रेजेंट होता है सिमिट्रिकल होता है तो आप इसको क्या है टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आप यहाँ परिचड़ पिचड़ नहीं करना चाहते देखो मैं यहाँ पहले से लिख लेती बट पहले से लिखा होता तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए मैंने खुद से ड्रॉ किया बस आप इतना ड्रॉ करना इतना ही फाइनल स्ट्रक्चर होता है और आप यहाँ पर को टेबल के फॉर्म में बता दीजिएगा कि वेव फंक्शन फर्स्ट में नंबर ऑफ नोट जीरो है और मिरर प्लेन सिमिट्री सिमिट्रिकल है यानी कि प्रेजेंट है और सी टू अपसेंट है और मिरर ऑफ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक यानी कि एम जो है वो अपसेंट है लेकिन सी टू के प्रेजेंट है यानी कि सिमेट्रिक है, है। इतनी चीज क्लियर है अब हम लोग दूसरे टाइप के कंपाउंड के रिस्पेक्ट पर बात करते तो देखो ना यहाँ पे मैंने नोट के लिए लिखा हुआ है आपको अगर नोट समझ नहीं आ रहा हो तो नोट को अगर मैंने यहाँ थ्योरी फॉर्म में लिखा है आप इसे पढ़ लीजिएगा ठीक है वैसे तुम आपको एक्सप्लेन कर ही रही हो वैसे यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये अगला आगे आपका वन थ्री ब्यूटा डाइन अब आपने वन थ्री ब्यूटर के डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है अब हमने वही स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले आप बनाओ स्ट्रक्चर वन थ्री ब्यूटा तो आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होगा मैथ एथ प्रो बट तो चार आपने कार्बन लगा दिए इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजिशन में इन है यानी कि डबल बॉन्ड है तो ये पहला कार्बन ये तीसरा कार्बन तो इनमें डबल बॉन्ड आपने लगाया एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहां ओके तो आपने क्या करना है देखो अगर आपके पास जितने नंबर के कार्बन आइटम है उतने ही आपके ऑर्बिट बनेंगे देखो आपका ये कार्बन आइटम एक सबसे पहले आपको क्या करना था चार मिल गए तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन भी कितने मिलेंगे फोर तो वेव फंक्शन एन इजिका टू यानी कि यहाँ पर को साई एन इजिका टू कितना होगा फोर और इनकी वैल्यू क्या होगी पहला होगा आपका साई वन दूसरा होगा आपका साई टू तीसरा होगा आपका साई थ्री और चौथा होगा आपका साई फोर इतनी चीज क्लियर आई अब क्या है अब आपको मैंने सबसे पहले बोला इनको आप अरेंज कर दो तो आपने देखो मैंने यहाँ अरेंज करके रखे हैं मैंने लिखा साईवन साई टू साई थ्री साई फोर ऊपर की ओर आपने लिखना है नीचे की ओर मत जाना साइवन ऊपर मत लिख दीजिएगा साइवन नीचे Then, उसके ऊपर साइड टू उसके ऊपर साइड थ्री उसके ऊपर साइड फोर ओके और सारे साइज के लिए आपने क्या करना है मॉडिकुलर ऑर्बिट जो हमने कुछ ऐसा निकाला कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सारे कार्बन की वैसे एक एक पी ऑर्बिट तो आपने यहाँ पर को सारे पी ऑर्बिट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो देखो इसके लिए ये इसके लिए इसके लिए इसके लिए, इसके लिए इतनी चीज क्लियर आई अगले केस में मैंने आपको क्या बोला देखो पहले आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही निकाल दो उनको तो हमने फिल करना है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने दो पाई बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास है ओके और अब फिर लास्टली आपने क्या करना है नंबर ऑफ नोड बनाना है नंबर ऑफ नोड कैसे निकलेंगे आपने इनके बेसिस पर निकालना है देखो साइवन के लिए नंबर ऑफ नोड कैसे निकलेंगे वही फॉर्मूला एन माइनस वन तो यहाँ पर n इज इकल टू कितना है वन है तो वन माइनस वन इज इकल टू जीरो नोट की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी जीरो ओके तो यहाँ कितनी आएगी n इज इकल टू टू तो नोट इज इकटल टू वन ओके यहाँ पर नोट कितना आएगा नोट इजिकल टू टू और यहाँ पर नोट कितना आएगा थ्री इतनी चीज क्लियर आ रही क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है एन माइनस वन है नोट इज टू क्या है एन माइनस वन तो मैं एक एक करके आपको लिख भी देती हूँ देखो आप क्या बता कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पर लिख देती हूं. Node equal to क्या था node equal to था, आपका एन माइनस वन तो एन की वैल्यू आपको जीरो तो नोड इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर नोड इज इक्वल टू कितना होगा एन माइनस वन यहाँ पर एन की वैल्यू है टू माइनस वन नोड इज इक्वल टू कितना होगा वन तो यहाँ वन नोड आपको मिलेंगे ओके और यहाँ पर नोड कितने मिलेंगे एन माइनस वन फॉर्मूला होता है एन की वैल्यू आपको थ्री मिली थ्री माइनस वन इज इक्वल टू कितना हुआ टू तो नोट इज इक्वल टू टू ओके यहाँ पे कितना होगा? एन माइनस वन गेन आपका फॉर्मूला एन माइनस वन एन की वैल्यू फोर फोर माइनस वन इज इक्वल टू कितना हुआ थ्री

इन सब के नेगेटिव एक साथ तो आपने इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे क्लियर आई अगले केस में आपका नोड एक है तो आप एक नोट को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ भी यहां भी यहाँ भी कहीं भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी ओके तो हमारे लिए सबसे इजी क्या है हम सेंटर पर लगा लें ये होगी आपका एक नोट तो आपको पता है जब आपका नोड होता है सेंटर पर तो क्या होता है पॉजिटिव के सामने आता है नेगेटिव नेगेटिव के सामने आता है पॉजिटिव तो आपने यहाँ तो ऐसा लिखा दिया लेकिन यहाँ तो कोई नोड नहीं है ना इन साइड तो कोई नोड नहीं है तो यहाँ पर को क्या होगा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है तो देखो जब नोड नहीं होता है उसे मैं क्रॉस से लिख दू तो नोड नहीं है तो क्या है पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव नेगेटिव के सामने नेगेटिव ओके सिमिलरली यहाँ नेगेटिव के सामने नेगेटिव पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव इतनी चीज क्लियर आई अगले केस में नोट कितने है? टू तो अब देखो एक दो यहाँ लगाने से अच्छा एक दो यहाँ लगाने से अच्छा मैं ऐसे कर दू एक यहाँ एक यहाँ तो मुझे क्या मिला आपकी मर्जी आप कहीं भी लगा सकते हैं ठीक है तो अब क्या मिला मुझे तो देखो यहाँ पर अगर मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव तो इसके सामने वाले में मैं क्या करूंगी पॉजिटिव के सामने नेगेटिव नेगेटिव के सामने पॉजिटिव अब इनका तो सेम कर सकती है क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर कोई नोड नहीं है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर नोड तो यह तो पॉसेन, पॉसेन है तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव पॉजिटिव किस में नेगेटिव इतनी चीज क्लियर आई अब यहाँ तीन नोड है तो तीन तीन के लिए मेरे पास ही प्लेस है one, two, three, so तो मैं क्या करूंगी अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव तो तो है तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव बस इतना ही काम आपने करना था इतनी चीज क्लियर आई अब आप क्या बनाएंगे एनर्जी लेवल्स तो आप बस एनर्जी लेवल दिखा दीजिए वन टू थ्री फोर ओके और इनमें से क्या होता है ये जो साइवन वन साई टू होते हैं ये आपके बॉन्डेड होते हैं ये आपकी एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं ठीक है आप इन्हें स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है ये आपके एनर्जी लेवल है इनको थोड़ा सा मैं बड़ा रिप्रेजेंट कर देती हूँ ये हो गए आपके एनर्जी लेवल्स ठीक है एक दो तीन चार ओके अब आप देखो आपको पता है ना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके कहा फील्ड है तो देखो ये आपका बॉन्ड ये आपका एंटी बॉन्डिंग है ये आपका बॉन्डिंग तो इनके सेंटर से आप ऐसे डॉट 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 लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कुछ ठीक है अब देखो सबसे पहले आप बताइए आपके सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है फोर पा इलेक्ट्रॉन तो आपके फोर पा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे वन तो वन टू Three, four, तो आपके पे फिल हो गए तो ऊपर तो कुछ है नहीं तो अब आपने होमो चूज करना है तो कैसे करेंगे तो देखो इन दोनों में से ऑक्युपाइड ऑर्बिट कौन सा है ये दोनों ऑक्युपाइड इन सब में सबसे ऑक्युपाइड दोनों है लेकिन किसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी ज्यादा है तो आप इसे क्या बोलेंगे होमो ये बन गया आपका होमो और इन दोनों में से देखो आपका लोएस ऑक्युपाइड लोएस्ट अनऑक्युपाइड ल्यूमो कौन बनेगा ल्यूमो क्या होता है अनऑक्युपाइड होता है और उनकी एनर्जी कम होती है तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी है इसकी कम है इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये बन जाएगा आपका ल्यूमो तो ये बन गया आपका होमो ये बन गया आपका ल्यूमो इतनी चीज क्लियर है अब हमने क्या कराना यहाँ एक्साइटेशन भी करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का तो एक्साइटेशन कैसे होगा एक्साइटेशन कभी भी क्या है हीट की कंडीशन में नहीं होता हीट आपने क्या है थर्मल कंडीशन आपने प्रोवाइड कराई है मतलब कि अगर रिएक्शन में थर्मल कंडीशन है तो एक्साइटेशन नहीं होगा जितनी भी जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो अपने अपने लेवल्स पे होंगे लेकिन जैसे आप फोटॉन्स की प्रेजेंस लगाएंगे तो आपके सिस्टम में क्या आपके रिएक्शन में क्या होगा एक्साइटेशन हुआ तो एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन जो पहले ये वाले लेवल का तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इस लेवल का आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा तो अब आप बताइए अब आपको वही प्रिडिक्ट करना है यहाँ पर मतलब आपके इस कुछ टॉपिक पर यानी कि आपका जो ये एफ डायग्राम है इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज ये ही है आपसे पूछा जाता है कौन होमो है कौन ल्यूम आपने हाँ ऊपर देखा था ना हमको क्या बता है होमो ल्यूमो के बारे में तो बताता है तो हमने वही प्रिडिक्ट करना है कि होमो कौन है ल्यूमो कॉन है तो देखो इनके केस में क्या होता है अगेन ये आपका होमो होगा क्योंकि ये हाइएस्ट ऑक्यूपाइड है मोलिकुलर ऑर्बिट तो ये आपका होमो भी होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे ऑक्युपाइड तो तो में भी आएगा और अनऑक्यूपाइड में भी आएगा क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे तो ये भी ये होमो भी हुआ ये आपका लूमो भी हुआ गे? तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपसे कोई बोला हो कि ऐसा कुछ कंडीशन की आपको अगर हीट दे रखी आपको थर्मल नहीं दिया आपको हीट दिया है तो उस केस में होमो आपका क्या हुआ साई टू हुआ और ल्यूमो क्या हुआ आपका साइट्री थ्री यानी कि बॉन्डिंग वाला ओके लेकिन अगर आपको थर्मल कंडीशन नहीं दिए यानी कि हीट ना देखे अब आपको फोटॉन्स दिए हुए एचन यू की कंडीशन दी है तो अब आप क्या करेंगे यहां पर को आपको क्या मिलेगा होमो भी आपका आपका साइट्री है और ल्यूमो भी आपका साइट थ्री बस इतना आपने स्ट्रक्चर को बनाना है यही बात खत्म कर देता है यही होता है आपका एफ डायग्राम। इतनी चीज क्लियर आए अब ये हमारा दूसरा हो गया अब हम लोग देखो हम ये भी बात कर लेते हैं वेब फंक्शन वाले सारे टॉपिक तो हमने क्या करना था तो देखो हमने बोला आपके पास तीन टाइप के वेव फंक्शन चार टाइप के वेव फंक्शन है साई वन साई टू साई थ्री एंड साई फोर ओके और नंबर ऑफ नोड इसमें आपका जीरो इसमें आपका वन इसमें टू इसमें थ्री क्योंकि एन माइनस वन होता है अब आपको मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करनी है तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपने साई वन किया है तो आप देखो साई वन में आपकी क्या है मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है क्यों क्योंकि आप अगर सेंटर से कहीं से भी प्लेन डालेंगे कहीं से भी मिरर को डालेंगे तो आपको आइडेंटिकल इमेज ही मिलेंगी क्योंकि ये सब आइडेंटिकल है ओके okay? लेकिन आपके C2 क्या होगी ऑप्शन क्योंकि देखो आप इसे क्रॉस करेंगे उल्टा पटकाएंगे तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा नेगेटिव वाला ऊपर तो यहाँ पे क्या है S तो आपका मिरर प्लेन सिमेट्री तो प्रेजेंट है लेकिन सी टू ऑफ सिमेट्री क्या है ऑप्शन है ओके okay? अब साइड टू के केस में देखो के केस में आपको मिरर प्लेन सिमेट्री तो मिलेगी, लेकिन सी टू प्रेजेंट मिलेगी कैसे तो देखो यहाँ पर को क्या है अगर आप यहाँ पर को देखो आपको मिरर प्लेन सिमेट्री क्या मिल रही है अपसेंट क्योंकि अगर आप यहाँ पर को डालेंगे ये देखो अगर आपने यहाँ से क्या है? एक प्लेन को डाला तो आपको क्या मिला ये वाली इमेज में क्या है पॉजिटिव वाला ऊपर है यहाँ पर आपका नेगेटिव वाला ऊपर है यहाँ आपका नेगेटिव वाला नीचे मतलब आप अगर प्लेन डालेंगे तो आपको आइडेंटिकल कहां मिल रहा है जैसे आपने यहाँ प्लेन डाला तो आपको पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव नेगेटिव के आगे नेगेटिव मिला लेकिन यहाँ पॉजिटिव के आगे नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव के आगे पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर को, कोई भी प्लेन पास कर लीजिए यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बनने वाला तो यहाँ पर एम तो आपका क्या है असिमेट्रिक है लेकिन एस सीमेट्रिक है क्यों क्योंकि आप जिसे जैसे इसे उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखो उल्टा करेंगे तो वही चीज आ गई ना वन Two, three, तो इसमें आपको क्या मिला दो ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव थे नीचे नेगेटिव नेगेटिव तो पलट जाएंगे तो क्या होंगे ऊपर दो नेगेटिव नीचे दो पॉजिटिव ओके okay? और यहां पे ऊपर दो, दो नेगेटिव थे तो ये दो नीचे चले जाएंगे और ये पॉजिटिव वाले ऊपर तो देखो अभी भी तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है ऊपर दो आपके नेगेटिव दो पॉजिटिव तो देखो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव वो भी सीरीज नहीं है ओके okay? और नीचे दो नेगेटिव नीचे दो पॉजिटिव तो देखो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव तो यहाँ पर को क्या है C2 टू प्रेजेंट है यानी कि C2 टू सिमिट्रिक है लेकिन आपकी मिरर प्लेन सिमिट्री क्या है अपसेंट है ओके okay, अब अगले केस में देखो यहां पर को क्या है आपको यहां पर को मिरर प्लेन सिमिट्री सिमिट्रिक मिलेगी क्यों क्योंकि अगर मैं यहाँ पर को सेंटर से एक इमेज डाल दू ऐसे सेंटर से प्लेन डाला तो देखो नेगेटिव के आगे नेगेटिव पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव नेगेटिव के आगे नेगेटिव तो यहाँ पर को क्या है एम तो एस है यानी कि एम क्या है मिरर प्लेन सिमिट्री तो प्रेजेंट है लेकिन C2 होगी सीट अपने वही कर देना इसे पलटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा देखो पॉजिटिव की प्लेस में आएगा नेगेटिव नेगेटिव की की प्लेस में, positive, positive की प्लेस में में पॉजिटिव पॉजिटिव देखो यहां मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको पॉजिटिव पॉजिटिव साथ मिले नेगेटिव नेगेटिव साथ तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ नेगेटिव नेगेटिव साथ लेकिन इसको आप पलटाएंगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा ओके तो सेम चीज ऊपर वाले में है ऊपर वाले में क्या बोल रहा है यहाँ पर कोई ये आपका मेरा प्रिंसिमेट्रिक अस्टमीट्रिक है कैसे अगर आप यहां पर को प्लेन डालेंगे तो क्या मिला नेगेटिव के आगे पॉजिटिव पॉजिटिव के आगे नेगेटिव पॉजिटिव के आगे नेगेटिव नेगेटिव के आगे पॉजिटिव तो कहीं पर को अगर आपका क्या है अगर कहीं पर को आपका आप ऐसा सीरीज में देख सकते हैं अगर आपका M में मिरर प्लेस सिमेट्री प्रेजेंट है तो C2 टू है अगर मिरर प्लेस सिमिट्री अपसेंट है तो C2 क्या है प्रेजेंट है तो वही सीरीज यहाँ पर चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं इसे आप सेपरेट टेबल के फॉर्म में भी वहां लिख सकते हैं और आप चाहे तो आप इनको इनके नीचे लिख दीजिएगा पर ये कि कंफ्यूज हो जाएंगे जाएं तो आपने क्या करना है कर इतनी चीज क्लियर आए ये बन गया हमारा दूसरा एफ एम ओके अब हम बात करते हैं तीसरे पर तीसरा है आपका वन थ्री फाइव हेक्सर ट्राइन ट्राइन केस में क्या होगा तो देखो आपके पास कितने कार्बन होंगे सिक्स वन टू थ्री फोर तो इसमें फर्स्ट थर्ड और फिशन में डबल बॉन्ड है यानी यानी कि कि ये हो गया fifth. कि एक डबल बॉन्ड यहाँ इतनी चीज क्लियर आई तो ये है इसका फाइनल स्ट्रक्चर ओके अब आपने क्या करना है आपने बस नंबर ऑफ कार्बन वगैरह चेक करना है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपने खुद बोल दिया सिक्स ओके okay. तो यहाँ पर वेव फंक्शन कितना होगा यानी कि साई टू कितना होगा सिक्स और क्या क्या होंगे एक होगा साई वन एक होगा साई टू एक होगा साई थ्री एक होगा साई फोर एक होगा आपका और इनको आपने पर अरेंज कर दिया देख लीजिए पर साई फाइव देखो ये उल्टा हो गया इसे ऐसे मत कीजिएगा यहाँ पर ऐसे लिखिएगा देखो मैंने गलती कर दी तो देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा आपका साई वन यहाँ साई टू यहाँ साई थ्री यहाँ पर साई फोर यहाँ पर साई फाइव यहाँ पर होगा साइज सिक्स तो आपने इस छह के साई को यहाँ पर रख दिया ओके और इनका शेप कैसा होगा आपको पता है इन के पी ऑर्बिट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपने ये छह के चाह पी ऑर्बिट को क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया बस इतना सा करना है अब आपने क्या करना है नोड चूज करना है कि नोड कितने होंगे उससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दीजिए तो आपकी बस सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड है तीन डबल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने थ्री इंटू टू क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिक्स को यहाँ पर को फिल करना है ओके तो नंबर ऑफ क्या है N -1 के फॉर्मूले से आप पुट करेंगे तो देखो मैं आपको नोट निकालना सिखाती हूँ देखिए यहाँ पर को नोड आपको पता है एक कम हो गया ठीक है हम बनाते हुए चलते हैं अब तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पर साई के केस में कोई भी नोड नहीं है तो हमने यहाँ पर को कोई भी नोट नहीं लिखा है तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव 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 ये नेगेटिव 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 साथ साथ ओके इसमें आपको एक नोट मिलेगा तो नोट आप सेंटर पर रख दीजिए इधर उधर करने से बढ़िया सेंटर पर ओके तो अब हमारा क्या होगा अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ओके अब क्या है यहाँ तो कोई नोड नहीं है तो आपने ये सिर्फ से, सेम रख दिया यानी कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो नेगिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव सेम चीज यहाँ ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव इतनी चीज क्लियर आई अगले में यहाँ आपके कितने नोड होंगे अगर एन इज इको टू थ्री है तो नोड इज इको टू एन माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन इज इको टू तो आप दो नोट कहाँ दिखाएंगे कॉर्नर्स पर रख लीजिए एक नोड यहाँ रख दिया एक नोड आपने यहाँ रख दिया तो क्या हुआ ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा अब देखो अब ये अगर है, तो ये भी negative, ये भी नेगेटिव नेगेटिव ये भी negative, ये ओके okay? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये ये है तो नेगेटिव इतनी चीज क्लियर आई अब हमने क्या करना है अब अगले आगे बढ़ो अब यहाँ पर को नोट कितना है एन इज इक्वल टू फोर तो नोट इज इकल टू थ्री तो नोट कहा रखेंगे अब हमने क्या कर दिया देखो वन टू थ्री फोर इतने सारे क्वेश्चन है तो हम क्या है इनमें रख देते हैं चलो वन टू थ्री हमने इस, इस पर रख दिया सीरीज से ओके तो थ्री यहाँ पे रखा तो अब हमारे को क्या मिला अगर मैंने इसे पॉजिटिव बोला इसे नेगेटिव बोला तो ये क्या मिलेगा नेगेटिव ये मिलेगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ये क्या मिलेगा पॉजिटिव अब यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो सेम सेम यहाँ भी सेम से नहीं ये यहाँ पे तो नोड है तो ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव ये पॉजिटिव है तो यहाँ होगा नेगेटिव ओके okay? अब आएगा सेम सेम पॉजिटिव नेगेटिव ओके okay? अब यहाँ नोट कितने एन इज इकल टू फाइव तो नोट इज इकल टू फोर एक कम होना है तो यहाँ पर हमने फोर नोट लगाना है तो हम कहाँ लगाते चलो वन यहाँ लगा दिया टू यहाँ लगा दिया आपकी मर्जी कहीं भी लगाइए ओके थ्री यहाँ लगा दिया फोर okay? यहाँ लगा, लगा दिया मैंने सेंटर को छोड़ दिया ओके okay? तो अब क्या किया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव के बदले यहाँ नेगेटिव नेगेटिव के बदले पॉजिटिव नेगेटिव के बदले पॉजिटिव okay? पॉजिटिव अगले में आपको नोट कितने है? आपके एन है आपका सिक्स तो नोट कितने होंगे five. तो फाइव है तो फाइव की फाइव पोजिशन है One, two, three, four, में लगाया तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव तो देखो इतना आपने काम करना है थोड़ा दिमाग लगाइएगा गलत मत कीजिएगा इतनी चीज क्लियर आई बस आपने इतना करना है अब आप बस इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी तो देखो आपने क्या किया यहाँ पे एनर्जी लेवल दिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एनर्जी लेवल्स आपके पास है जिसमें से देखो ये आपके बॉन्डिंग वाले ये आपके एंटी बॉन्डिंग इनके ऊपर आप स्टार भी दिखा सकते हैं ठीक है ओके okay? अब आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे तो आपको पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स फाइव इलेक्ट्रॉन तो दो यहां होंगे दो यहां होंगे दो यहाँ या, यानी कि बॉन्डिंग में सारे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो अभी तो इनिशियली क्या होगा यहाँ पर को ल्यूमो होमो वाला सॉरी होमो कॉन होगा होमो ये होगा क्योंकि ये हाईएस्ट भी है ऑक्यूपाइड भी है तो आपका कौन हुआ साई होमो वाला ओके और ल्यूमो कौन होगा ल्यूमो होगा आपका ये क्योंकि ये 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 आपका एनर्जी का है और है और अनऑक्यूपाइड तो ये ल्यूमो ये होगा होमो ये कब होगा जब आपने यहाँ पर को कोई एक्साइटेशन नहीं कराए यानी कि यहाँ पर को कौन सी कंडीशन है थर्मल यानी कि हीट वाली कंडीशन है ओके लेकिन जैसे आप यहाँ पर को क्या कराएंगे यहाँ पर को आपने फोटोन्स दिए तो क्या होगा एक्साइटेशन तो एक्साइटेशन होके क्या होगा देखिए मैंने एनर्जी लेवल्स दिखाए एक्साइटेशन होके okay, क्या होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड होके यहाँ चले जाएगा तो आफ्टर एक्साइटेशन वही चीज हो गया कि यहाँ पर को आपका होमो कॉन होगा होमो तो ये होगा क्योंकि ये हाइएस्ट भी है ये ऑक्यूपाइड भी है तो ये हमारा होमो हो गया और साथ ही साथ ये हमारा न्यूमो भी होगा क्यों क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड भी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे बट हमने एक ही इलेक्ट्रॉन शो किया है तो ये बन गया आपका होमो प्लस ल्यूमो तो यानी कि यहाँ पर को क्या है अगर आपको एच न्यू की कंडीशन दी है तो न्यू के केस में आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है वन थ्री हेक्सर ट्राइम के कॉम्प्लेक्स में आपका जो होमोल्यूमो होगा वो कौन सा होगा साइफोर होगा और अगर आपने हीट की यानी कि थर्मल कंडीशन दी है तो आपका होमो होगा साई थ्री और ल्यूमो होगा आपका साई फोर बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के भी बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में जो आपका प्रॉपर शॉर्ट आंसर मतलब तो, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके ऐसे ही बनते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये बन गया इसका डायग्राम ये था आपका एफ एमओ डायग्राम इतनी चीज क्लियर है अब आपको यही टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया अब ये तो आप समझ ही गए ना वेव फंक्शन तो इसने वही रिप्रेजेंट किया जैसे मैंने आपको बोला तो आप हो गया? अगर वन थ्री है तो टू एक एक कम्बस इतनी चीज क्लियर आई अब यहाँ पर प्लेन और मिरर ऑफ सिमिट्री और एक्सेस ऑफ सिमिट्री चेक करनी है तो आपने क्या करना है तो देखो जो सिमिट्रिक है वो यहाँ सीमिट्रिक यहाँ सीमिट्रिक तो यहाँ सिमेट्रिक यहां सीमेट्रिक तो यहां असिमेट्रिक मतलब अगर आपको देखो C2 देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जस्ट मिरर देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ अगर मैं यहाँ मिरर देखू तो अगर मैं कहीं भी ऐसे प्लेन डाल तो तो आपको सब चीज आइडेंटिकल मिल रही है यानी कि यहां M प्रेजेंट तो होगा लेकिन C2 क्या होगी यहां होगी क्योंकि एक प्रेजेंट है तो दूसरा ऐपसेंट हो जाएगा ओके अब यहाँ देखो यहाँ आपको क्या मिल रही है यहाँ आपको मिरर नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि यहाँ अगर आपने सेंटर से डाला तो यहाँ पॉजिटिव क्या आगे नेगेटिव नेगेटिव क्या आगे पॉजिटिव तो यहाँ एम तो आपका एपसेंट होगा लेकिन सी टू आप प्रेजेंट होगा आप खुद देख लीजिए एस आपका एपसेंट है लेकिन सी टू आपका क्या है प्रेजेंट है।, है।, है लेकिन सी टू आपका प्रेजेंट है ऊपर वाले केस पर अगर देख लीजिए यहाँ पर देखो मैंने यहां सेंटर से डाली लाइन तो आपको क्या मिला नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपको बिल्कुल सेम सेम इमेज मिल रही यानी कि यहाँ आपका एम प्रेजेंट है लेकिन सी टू अपसेंट वही चीज ऊपर वाले में क्या होगा आपका एम अपसेंट होगा लेकिन सी टू प्रेजेंट इसके ऊपर वाले में देखो इसके ऊपर वाले में एम प्रेजेंट है यहाँ आपका एम अपसेंट था यहाँ एम प्रेजेंट हो गया क्यों

A then S, then, A, then S बनाने होता है होप आपको लेक्चर समझ में आएगा मैंने अपने तो से पूरा ट्राई किया अब देखो मेरे को सामने कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं होता तो मेरे को नहीं मालूम सामने वाले को कितना पता है कितना नहीं पता है ओके तो मैं अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लेती हूँ कि आपको मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन कर दूं तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर तब तक के लिए बाय बाय